चलिए दोस्तों, एक हम सच्ची घटना से आपको रूबरू कराते हैं। झारखंड में एक महिला ने 30 साल तक झाड़ू लगाकर अपने 3 बेटों को उस मुकाम तक पहुंचा दिया कि वह पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। तो चलिए हम बताते हैं उस महिला के बारे में और उसकी कहानी। झारखंड प्रदेश के रामगढ़ जिले के रजरप्पा टाउनशिप में पिछले 30 साल तक झाड़ू लगाने वाली सुमित्रा देवी जब अपने पद से रिटायर हुई तो उनके 3 बेटे फेयरवेल प्रोग्राम में पहुंचे। सुमित्रा के एक बेटे बिहार के सीवान जिले में कलेक्टर महेंद्र कुमार हैं, दूसरे रेलवे में चीफ इंजीनियर हैं वीरेंद्र कुमार और तीसरे बेटा धीरेंद्र कुमार मेडिकल अफसर है। सेवानिवृत्त कार्यक्रम में उनका बेटा एक नीली बत्ती गाड़ी लेकर पहुंचा, जबकि 2 बेटे अलग अलग गाड़ियों में पहुंचे। सुमित्रा देवी ने बड़े ही परिश्रम और लगन से न केवल पाला बल्कि उनको पढ़ा लिखा कर बड़ा अधिकारी बनाया। जबकि 3 बेटे वहाँ पहुँचे तो सुमित्रा देवी की आँखें भर आईं। दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विपरीत हालत में भी हमें हार नहीं मानना चाहिए और अपने परिश्रम में लगा रहना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।